शरण मेरे दीन दयाल सुख सागर मेरे गुरु गोपाल कर कृपा नानक गुण गाव रखो शर्मे साड़ी जीओ तेरे कमन कमन गुण कह कह गा तू साहिब गुणी निधन तुम्हारी महिमा वर्ण न सको तू ठाकुर ऊच भगवान तेरे गुण बहुते मैं एक न जनया मैं मूर्ख किश दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डूबदा पत्थर लीजै आमने आए सृष्ट में बिन बूझै पशु ढोर नानक गुरमुख सो बुझै जांकै पाग मथोर सतगुरु पातशाह जी साजी स्वारी सत्संग जी हो अदब सत्कार प्यार सहित फतेह गजाइए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज भाई कन्हैया साहब जी सेवा दल इन्हों गुरमुखां दे उपराले नाल भाई साहब कन्हैया साहब जी नूं समर्पित समागम जो कि गुरप्रवासी महंत तीरथ सिंह जी गुणियाने वाले ते पंथ रतन भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी खन्ने वाले उन्हां दी प्रेरणा सदका आरंभ होया उस समागम विच आप हाजरियां भर रहे हो। सतगुरु दे दर आउंदे हां ज्ञान लैण वास्ते कुछ प्रेरणा लैण वास्ते। याद रखना मनुख धरती ते ना होवे धरती ते इसे तरह रहेगी हवा भी वगेगी सूरज चंद भी होंगे बनस्पति होवेगी पशु पंखी होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। मनुख आया मनुख दे नाल ज्ञान दा जन्म होया मनुख ना रहे ज्ञान नहीं रहेगा। सृष्टि जरूर चलेगी पर सृष्टि धर्म नाल चलेगी ज्ञान नाल नहीं। जे ज्ञान ना होवे जीवन लक्ष्यहीन होंदा। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने इस मसले नूं बड़े सुंदर ढंग नाल बयानिया है। कहिंदे ने पशुआं दा ते बंदे दा फर्क की है अंतर की है। अंतर ओह दसदे ने एक नूं ज्ञान है सवेरे उठदा है ते ओह पूरा प्रोग्राम बनाउंदा मैं अज की करना पर पशु उठदा ये सोच नहीं कि मैं अज की करना। बंदा सोचदा मैं अज किधर जाना पर पशु नूं ये सोच नहीं मैं किस पासे जाना। हालांकि वह भी तुरदा है पशुआ मानख देह अंतर अंतर ये है अंतर होंदा फर्क।
सुरत शब्द को बवेक या बवेक है, सुरत रह के आए हाँ। याद रखना पहली जो चीज लैके परमात्मा को आए हाँ सुरत है। बाणी विच ऐसा कहा, एक छोटा बच्चा भी है उसके कोल सुरत है, माता दे घर में जिहड़ा कहा पुट्ठा लटके सी सिमरन कर रहा सी, रब नूं याद करदा सी, जबान ते नहीं सी चलदी, कोई भी इंदरा काम नहीं सी करदा, कोई सुनाउण वाला भी नहीं सी, किवें सिमरन हो रहा सी, केवल सुरत नाम। मुख तला पैर उपर है, बसंदो कोथड़े थाए, नानक सो थनी क्यों वसारियो उधरियो जिस ते ना। सुरत लैके आए हाँ, इस सुरत दे कारण अगों मैमरी का जन्म होया, जिसनों असी चेता शक्ति कहते हाँ। सुरत दे कारण बुद्ध का जन्म होया, जिस नाल डिसीजन लेंदे हो भला की है बुरा की है, की करना है की नहीं करना, ये सब सुरत विचों पैदा हो। सुरत साडे विच ना होवे तुसी ना कीर्तन सुनोगे, ना कथा सुनोगे, ना ही गुरुद्वारे आओगे। सतगुरु ने ते सिख के आई सुरत नूं मैं, शब्द गुरु जे शब्द गुरु है, सुरत थुण चेला। सुरत दी एकाग्रता होवे, जीवन लक्ष्यहीन ना होवे, मैं संसार विच क्यों आया हाँ। पहली गल मैं गुरुद्वारे क्यों आया हाँ, गुरुद्वारे आने का मेरा मकसद की है। सतगुरु ने ये प्रश्न खड़े किए, तो जेड़े प्रश्न उस वेले सन अज भी वह ने, समस्या वह ने, जीवन दियाँ मुश्किलां वह ने, सुख दुख ओही ने, प्रश्न पैदा किए उन्होंने उत्तर देते। याद रखना सत्तां आशां विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी उन्होंने लिखी है, एक आशा है प्रश्नोत्तरी, प्रश्न पैदा करना उत्तर देना। मसलन इंज समझो दुहागनी क्या निशानी है, प्रश्न पैदा कर देता नाल ही उत्तर है। खसमों कोथियां फिर निमाणिया, मैले वेस्त न कामनी तिन दुखी रहन विहाए जी। एक प्रश्न पैदा कर दिता कि बंदियां दा इकट्ठ ते थां थां संगत किस नूं कहोगे, सत संगत कैसी जानिए, किसी इकट्ठ नूं मैं आखां सत संगत आ, बंदियां दा इकट्ठ ते लखां दा थां थां ते है, सत संगत कैसी जानिए। नाल ही उत्तर है जिथे एको नाम बखाणी है, एक नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जी। प्रश्न भी साहबां पैदा किए, उत्तर भी दिता। कहिंदे ने गुरु दर केवल आना नहीं, आ के गुरु दा होना है, बस ये फर्क समझण वाला। असी आउण वास्ते नहीं आए, किवें करना कुछ होण वास्ते आए हाँ। जे हो गए आउणा सफल, ना होए आउणा आउणा ही रह गया। होना की है, सतगुर की प्रतीत न आईया, भागण वाला है कोई सुबह शाम हाजरी भरदा होवे, सतसंगी आउंदे ने सवेरे भी शाम भी। साहब कहिंदे ने आउंदा है ते ये गल्लां याद रख अंदर आईया, सतगुर की प्रतीत न आईया, शब्द न लागो पाओ। सतगुरु ते प्रतीत शरदा नहीं बनी, ते शब्द नाल प्रेम नहीं बनिया, उसनु सुख न उपजै भावें सौ गेड़ा आवो जाओ, सौ मरी क्यों ना आए। गुरु द्वारे होए सोजी पाए से, जिन्हां नु सोजी मिल गई आए, और चलिया पत स्यों जन्म सवा, वाजा वाए सी मान सिक्या बेचारा, ते हुण लोक सुनाए सी नानक आप निहाल, सब कुल तार सी। सिख पंथ दे खजाने विच किन्ने क हीरे गिने नहीं जाते, वड्डे वड्डे बादशाह दे खजाने गिने गए,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਪੁਖਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਯਕੂਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਲਸਨੀਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਵਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹਕੂਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਤੋਲੇ ਹੈ, ਓਨੀ ਕਰੰਸੀ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਹ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੀਰੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋ ਵਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲਣਗੇ, ਕੋ ਹੀਰਾ ਕੱਢਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ, ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ, ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਰ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਧਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਬਸ 5-10 ਰੁਪਈਏ ਵੱਟੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੀਵਰ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਹਾਰਟ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਲ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਖਾ। ਉਸ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ। ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰਖ ਪਰਖਾਇਆ। ਗੁਜੜਾ ਲਦਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥਿਆ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਏ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੇ ਮਾਥੇ, ਮਹੰਤ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਰੈ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਮਹੰਤ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹੰਤ ਕੇ ਮਾਥੇ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਤਿਨਕੇ ਸਾਥ। ਐਸੇ ਹੀਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣੇ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕੋ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬੰਧ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਨਾਮ ਹੀ ਜਪ ਛੱਡਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਜਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇਰਾ ਅਧੂਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਚਲਾ, ਤੇਗਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੇਗਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ,
कई बार भुलन आर कोई शब्द प्रचलित हो जाते ने उन्हां वल फिर ध्यान ही नहीं देते जिहड़ा कड़ाह प्रसाद नूं देख कहण लग पए ना बहुत वड्डी इतिहास भुल आ। पता क्यों? देग उसे नूं कहना है जिहड़ी देग विच बणदी है ते कड़ाह प्रसाद उही है जिहड़ा कड़ाही च बणदा। याद रखना ये बचन केवल कड़ा प्रसाद ही सी देग नहीं, देग सी लंगर वास्ते। पुराने इतिहास नूं पढ़ के वेखो उत्थे लंगर नूं ही उन्हां देग शब्द वरतिया के देते आवाजा पंथ प्रकाश, देते आवाजा भुखा कोई आवो देग तैयार गुर होई। उस समय दुश्मन के ना आवै परमी संतां शकाब। लंगर जसो चाला सब्जियां प्रसादे बनते देग, कड़ाई च बनता कड़ा प्रसाद, इनू कहा ही कड़ा प्रसाद। अज भी कड़ा प्रसाद ही कहने, अरदास ध्यान नाल सुनने नाल सी जो कड़ा प्रसाद ही देग नहीं, सिर्फ कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद है लंगर है देग, जिन्ना देग चलाई लंगर चलाए देग वाहे। देगा चलन गियां तां जे देगा तैयार होण गियां, देग चलाई तेग वाही वेख के टिठ के ता तिन्ना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। अज असीं एक हीरे दा जिक्र करना है जिसनू कहिंदे हां भाई कन्हैया साहब जी। 71 साल दी इन्हां दी उम्र होई, छोटी उम्र सी जदों सतगुरु दे दर ते आ गए। सोधरा नगर वजीराबाद दे कोल चनाब दरिया दे किनारे जन्म होया। जन्म तो लैके कुछ रब कोलों बड़ियां बरकतां लैके आउंदे, मन विच बड़ा वैराग सी। बूझ वैराग करे जे कोई जरा मरन दुख फेर ना हो। मन विच वैराग सी परमात्मा के में मिले, लक्ष्य अपने वल खिंच रहा सी। सानू ते साडे कोल नक्शे भी हैं, मैप हैं, लैके तुरने आ। ऐसे ऐसे सिस्टम बन गए ने, विदेशों में तो हैं साडे भी हो जाएंगे, देरी लगेगी। जाना सी किते, मैनू गड्डी वाला सज्जन कहन लगा जी केवल ना तुसी उस बंदे दा फोन नंबर ही मैनू दस दे जिथे जाना है, सिर्फ फोन। उसने फोन पाया, फोन दे नाल ही उहदी सारी आईडी आ गई, उहदे घर दा एड्रैस आ गया, सड़कां सारियां इसे सड़क हो के जाना है। सिर्फ फोन दिता, उसके घर पहुँच गया। इन्ना कुछ नाल जुड़िया होया सी, उत्थे तक पहुंच गया। मैप लैके बंदा चलदा, पर मैं सोचदा नदियां कोल ते कोई भी नक्शा नहीं कि सागर कित्थे है। पानी दियां बूंदा होईयां कठियां तुर पईयां, चलदियां चलदियां सागर तक पहुंच गई। रब दे प्यारे जदों तुरदे ने नक्शे लैके नहीं तुरदे, सच ते आ एक कदम पुटदे ने अगों गुरु बाह फड़ लेंदा। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हो लेत है। भाई कन्हैया साहब जी मन विच बड़ा वैराग सी, की करना जेबां भर लैणियां पैसों नाल ते बाहर जाके वंडाओ, नहीं तो आम करके बचे वंडदे नहीं। उह ते चाहुंदे ने कट्ठे करां मैनूं मिलन, पर अपनियां वस्तुआं दे आओ, बस्तर तक उतार के दे आना। वगारी जाते सन, वगारी फड़े होंगे सन, उन्होंने पैसा कोई नहीं देना, समान चकाई जाना। वगारिया कहना तेन साकड़ा दे, उन्होंने समान आप सिर ते चुक लेना, अगे जाके छड़ आना। मां ने एक दिन कहा, कह लगे मैनू जापदा कि तेनू भी किसी दिन वगारिया के नाल ही उन्हें फड़ के लै जाना। तू जा रहे हैं जे उन्हें भुलेखा पिया भी वगारी नाल ही लै जाएंगे तेनू फड़ के, तू कमला ते नहीं।
ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਕਮਲਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਮਲੇ ਕਹਿ ਛੱਡੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੌਰਾ, ਸਭ ਖਲਕ ਸਿਆਣੀ ਮੈਂ ਬੌਰਾ, ਮੈਂ ਬਿਗੜਿਓ ਬਿਗੜੇ ਮਤ ਔਰਾ, ਆਪ ਨਾ ਬੌਰਾ ਰਾਮ ਕੀਓ ਬੌਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਰ ਗਿਆ ਪਰਮ ਮੋਹਰਾ, ਸੋ ਬੌਰਾ ਜੋ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਗਲ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਾਗਲ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹ ਪਾਗਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਬੌਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਮਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਛੱਡ। ਕਮਲੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰ ਪਾਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਦੁਰਬਚਨ ਕਹੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਛਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲ ਵੀ ਛਕਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਪਦਾ ਅਣਖਿਆਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰੀ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਦੁਰਬਚਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਲਪਨਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਰ ਫਟ ਗਏ, ਕੰਡੇ ਵੱਜਣ, ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਗਏ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੱਗ ਪਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ, ਪੁਰਖ ਬਰਸਕ ਬੈਰਾਗੇ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੇ। ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿੱਠਿਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਵਰਾਗੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੋ ਪਾਈਏ ਜੋਗ, ਬਣ ਕਾ ਮਿਰਗ ਮੁਕਤ ਸਭ ਹੋ, ਕਿਆ ਨਾਗੇ ਕਿਆ ਬਾਧੇ ਚਾਮ, ਜਬ ਨਹੀਂ ਚੀਣ ਸੇ ਆਤਮ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਣ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੀ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਵਸਦੀ, ਪੋਹਪ ਮੱਧ ਜਿਉਂ ਪਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਮੁਕਰਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਹੇ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਬਾਏ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੱਭੋ ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ, ਕਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਲਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜੰਮ ਜਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤ ਸੰਗ ਲੱਭ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਗੁਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਚਲਾ ਜਾ,
इशारा दे दिता भाई कन्हैया साहब जी आ गए। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ज्ञान दा पुंडा अकाल पुरख विच अभेद सतगुरु शहीदां दे सरदार उन्हां दे दीदार कीते वेखिया पछाण लिया। कहन लगे किवें आया किवें आया है। कहन लगे जी तुहाडे पास आया तुसी मिले हो मैनू मिला दे। आउंदे पहली गल ये कीती कि तुसी रब नू मिले हो मैं आया मैनू मिला दिओ। किसी दिन असी भी कह सकीए धन श्री गुरु ग्रंथ साहब हे तुरकी बाणी हे शब्द गुरु तुसी ते अभेद हो परमात्मा विच मैनू भी मिला दिओ मेरी बाह भी फड़ा दिओ। वाह वाह बाणी निरंकार है जिसे वड़े अवर न कोई अफसोस के बंदा श्री गुरु ग्रंथ साहब के सामने जिस कार्ज लई आउंदा है जिस लक्ष्य लई आउंदा है विच लखां वाशनावां आके खलो जांदियां ने। पहली गल गल ही नहीं होंदी जे हो भी जाए मंगा होर ने कदी शब्द गुरु के सामने आखे है मैं आया परमात्मा वास्ते आया रब नू मिलन वास्ते आया हाँ मेल लहो दया। शब्द हिरदे चो निकल मेल लहो दयाल टै पए द्वारिया रख लेहो दीन दयाल परमत बहारिया। हे दाता पटक पटक के हार गए सगल द्वार का उछाड़ के गयो तुहारो द्वार बाह गए कि लाज अस गोबिंद दास तुहार। कृपा कर जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डेठ बिछड़िया मेले प्रभु और दरगाह का बसेठ। दरगाह का बचोला बसेठ होंगे बचोला मेल दियो। कह लगे अच्छा रब नू मिलन वास्ते आए। कह लगे हाँ फिर भाई ऐसा कुछ काल करनी पैंदी है। काल की करेगी तेरे ते परमात्मा दे दरमियान जड़ी होमे दी दीवार है उन्हें उठा देवेगी। एक बचन आप नाल होर सांझा करा बड़ी एकाग्रता नाल इस नू ध्यान च लैना। काल उसका मुल नहीं जड़ी कठिन तो कठिन मत समझो काल कर लांगा ते उहदा मुल है दावा है कि जरूर मिलेगा ही। उन्होंने कहा काल करेगा ते काल नाल की होवेगा केवल काई पासे होवेगी अपना आपा पछानना आ जाएगा। काल कालन नाल तेरी होमे मुक जाएगी थक जाएगा अंदरों आवाज निकलेगी मेरा किया कछु न होए कर है राम होए है सो। मैं मेरा कीता कुछ भी नहीं होता सच्चे दिलों दर ते टै पवेगा दर ते टै पवेगा दरवाजा खुल जाएगा। हुण काल गुरु इसे वास्ते दसदा है कि होमे मुक जाए। होमे बड़ी सूक्ष्म है ये छड्डदे ही नहीं गुरु टोंदा बार बार वेखदा किते होमे है ते नहीं। जे है जिवें सियाणा डाक्टर वेखदा ब्लड टैसट कर करके किते कोई बीमारी रह ते नहीं गई कोई कीटाणु है ते नहीं। कहा अग अगर चुक ते जल भर के लिया सतलुज तो लै सतगुरु एक चरण अगे कीता। कह लगे ए उत्ते जल पाई जा गागर सारी पै गए। कह लगे लिया पाई जा चरण तो आ दस भी गागर आईया। उस तो बाद कह लगे दूसरा ये चरण भी धोना होर लिया। सुन के हैरान हो जाओगे साढ़े च कोई होंदा शायद कहिंदे महाराज चरण ते इक गागर नाल ही धुप सकते ने क्यों इन्ना पानी व्यर्थ गवा रहे हो। नहीं लई आए लई आए महीनिया बदी एक कम चलता रहा नजर भर के वेखिया। कहन लगे बस चरण धुप गए
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਕਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਤਾਂ ਆਖਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਗਾਗਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਧਨ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਪਾਕ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਹੱਸ ਪੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤੂੰ ਜਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਮਝਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਆਪਣਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਰਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਮਨ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਧਨ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇ। ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਲਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਨ ਫੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਲਸੀ ਤਾਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਆਲਸੀ ਤਨ ਫੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਨ ਫੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਟਾ ਕਰਨੀ, ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਮਨ ਫੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਣ ਬੰਦਾ ਉਹ ਧਨ ਫੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਪਣ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਯਾਰ ਰੁਪਈਆ 100 ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ 10 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਪਾਠ 10 ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਧੀ ਨੇ ਗੱਲ ਐਸੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ 10 ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਰਮ ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਵਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਦਬੜਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿਆ, ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਪਣ ਹੋਵੇਗਾ ਧਨ ਫੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮਨ ਫੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਲਸੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਧਨ ਫੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੁਣ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਕਥਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਤਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤਨ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਲਿਆ ਪਾਠ ਮੇਰਾ। ਗਲਤੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਮੜੇ ਗਿਣਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਗਿਣਦਾ, ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਨਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਮੇ ਆਏਗੀ। ਲੇਖਾ ਛੋਟ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟਾ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਓ ਉਬਾਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਗਿਣਾਂਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਗਿਣਨਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਠ ਇੰਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਕੀ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਵੇਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਟੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਮੇ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
गल ना ला ले। सेवा करते सन, एक ने सिख ने कह दिता गुरु खुश होंदे ने तां गुरु तेग बहादुर साहब के शहीद हो गए, गुरु गोबिंद सिंह की हजूरी च रह। गुरु खुश होंदे ने तां जे शस्त्र पहने, बड़ा लंबा तेगा लैके गल पा ले। सतगुरु ने वेखिया, कहन लगे तेनू किसी ने कहा तू आ तेग गल किवें पा रही। कहन लगा महाराज इसलिए पाई है लड़ना भिड़ना तो मैनू आउंदा नहीं, मैं तो जल छकाउण वाला ही हाँ, सेवा ही करन वाला। पर एक सिख कहिंदा सी कि एक तेगा पा लै, हाँ कोई मैनू मारना चाहे तो उन्हू कट के देंगा, जे मारना ही है तो लै गुरु की तेग नाल मार, अपनी तेग नाल ना मार, मैं कट के देंगा। मारना ही तो गुरु की तेग नाल मार। सतगुरु कहन लगे तू अपना काम कर, जेड़ा तेनू बख्शिया ना वह सेवा कर। एक दिन वह भी आ गया, जथेदार ने आके गात्रियों तलवार कट के दशमेश पिता के चरणों च रख दी। कहन लगा सतगुरु ऐ सांभो असी नहीं लड़ना। कहन लगे क्यों? कहन लगे बड़ी मुश्किल नाल मार मार के योधिया, कुछ छोटे योधे नहीं, जमीन ते गेरने हैं, ये आके पानी पिया के उन्होंने फिर खड़े कर देता है, लड़के क्यों? सतगुरु कहन लगे मैं हैरान हाँ, उसने नहीं आके कहा कि मैं बचाऊना ते मार दे क्यों ने, उन्हें शिकायत नहीं की थी। बड़ी देर पहले घटना मैंने याद आई, महात्मा बुद्ध चचेरा भाई झगड़ा हो गया। झगड़ा ये ताए दे पुत्र ने तीर मारिया एक हंस नूं, वो गिर गया। बुद्ध ने चुकिया, उहदा इलाज कीता, मरहम पट्टी लगाई, उसनों दुध पियाया, हंस बच गया। वो आखे हंस मेरा मैं तीर मारिया, वो आखे हंस मेरा मैं बचाया। वजीर मंडली बैठी हूँ राजकुमारां दा झगड़ा, ये ते अपने खून नाल हाथ धोण वाली गल, फैसला किहदे खिलाफ दे? एक सियाने ने कहा भाई गल सुनो, जे को मालक दोवां च हो सकदा ना, जीवन विचों मारन वाला नहीं बचाउण वाला हो सकदा, जिन्हें बचाया उहनूं दे ये हंस उहनूं दे दिओ जिसने बचाया। साहब कहन लगे तुसीं कहिंदे हो असीं कट्टिया, वो कहिंदा मैं जोड़िया, लेकिन उसने शिकायत नहीं की थी। पा दस भाई कन्हैया तेनू शिकायत नहीं कि मारते ने, तो मैं कहन लगा ना महाराज तुसी इन्हां नूं इन्हां दी कार लाया, ये भी हुक्म विच ने, मैं भी हुक्म विच हाँ, जिहड़ी कार मैनू लाया मैं करना, जिहड़ी कार इन्हां नूं लाया इन्हां नूं, ते पातशाह सच ते है मैं समझ गया, ना कोई मरदा है ते ना कोई मारदा। भाई साहब की बिरती कितने तक जाके पहुंच गए, एवें उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहा। कहन लगे ना कोई मरदा है, ना कोई मजे को समझना मरदा है, ये मार रहा है। कहन लगे वो भी अजे होमे बेच है, हंकार बेच है, जे को कहते बचा रहे मैं आखा मैं बचा, मैं कौन हाँ बचाने वाला? दाता ना कोई मार सकता ना कोई बचा सकते है, न किश जन्म है न किश मरै, अपन चलत आप ही करै, मारै राखै इको आप, मानकै किश नाहीं हाथ। कहन लगे दसो जथेदार जी एदी बिरती ते इत्थे गई। कहन लगे ते मौला खेल करे सब आपे, उस ते चोज ने किते जंग करा रहे है, किते लंगर वरता रहे है, किते अमृत छका रहे है, किते मरहम पट्टियां वंड रहे है। सतगुरु मैनू तेंजे जापदा, जदों मैं जल पाउना ना जिहदे मूंह विच, मैं तेरे मूंह च ही पाउना, मैनू ते तेरे मुखड़े तो बगैर होर को नजर ही नहीं आउंदा। सतगुरु उस वेले गल कही, कहन लगे भाई कन्हैया जी काल ते काल रहे हो, सेवा ते कर रहे हो पर अधे। कहन लगे पातशाह अजे मत थोड़ी है, तू समर्थ बड़ा मेरी मत थोड़ी, राम
मत थोड़ी है, समझ थोड़ी है, पूरी किवें करनी है तो मैनू पता ही। गुरु नानक देव का बचन पढ़ दिता, तेरा लाले क्या चतराई, साहिब का हुक्म ना करना जाए, तेरे गुलाम दी की चतराई, जैसी मत दे तैसा प्रकाश, पार मम करता है अविनाश। जिन्नी क सोची देना है, जो मत देना है वह होंदा। कहन लगे जिस जख्मी नू पानी पियाना, तन दशमेश पिता तुसी तन हो। कहन लगे जिस जख्मी नू पानी पियाना है कि उन्हूं पानी दी लोड़ है या होर भी जरूरत है। कहन लगे पातशाह मैं समझिया नहीं। कहन लगे जख्मी नू कोई होर भी लोड़ है कि केवल पानी। कहन लगे नहीं समझिया, तो मैं समझाना, जख्मी नू नाल मरहम पट्टी दी भी लोड़ होंदी है, मेरा पानी नहीं चाहिदा, आ ले पट्टियां चुक, अज तो बाद आ डब्बी कोल रख, मुक जाए फिर मेरे कोलों आके लै जाई, मरहम पट्टियां भी वरता। असल विच एक सेवक दा भाई कन्हैया साहब दा ते नां लैने, उसे वेले ही काफी वड्डा जथा बन गया सी, एक संस्था खड़ी हो गई सी, नाल होर सहायक चल पए सन, जिहड़े जंग विच सेवा कर इसे दा असर सी। एक इतिहास घटना आप नाल सांझी करां ते मैं विचारां नूं संकोचां। मैं कि इतिहास घटना ऐसी पढ़ी कि जिस वेले बाबा दीप सिंह जी अपने नगर पहुविंड तो दमदमा साहब नूं तुरे ने फिरोजपुर छावनी, इत्थे फौजदार सी ते फौजां ने घेरा पा लिया। जदों घेरे च आ गए चार सपेरे फौजी ने, कहन लगे फौजदार तू कौन है, तेरा नाम की है, किधर जा रहे हैं। कहन लगे मेरा नाम है दीप सिंह, गुरु गोबिंद सिंह दा सिख हाँ, मैं दमदमा साहब सतगुरां दी चरण शरण विच जा रहा। बड़ी चढ़ती कला विच गल आखी। कहन लगे जे तैनू उत्थे ना जान दिता जाए, इन्नी फौज दे घेरे विच है। कहन लगे बंदी ते मैं नहीं बनना, तुसी मैनू गिरफ्तार नहीं कर सक, जां ते तुहानू सारिआं नू मार के मैं उत्थे जावांगा ते जां शहीद हो जावां, बस ये दो गल्लां होणगीआं, जां शहीद होवांगा जां तुहानू मार के जावांगा। कहन लगे हद हो गई, हस पिआ फौजदार। कहन लगा तू सच्चा सिंह है, सच्चा सिंह है, मैं वेखदा सां परखदा सां। अपने कैशियर नू कहा 100 मोहर सोने दी लिया, वो ले आया ते बाबा दीप सिंह दे हत्थां च फड़ाउंदिआं कहन लगे जा दशमेश पिता नू मेरे वल्लों भेटा करी ते कह देवी। वो फौजदार मिलिआ सी जिस नूं जंग विचों तुसी कैद कर लिया सी, फड़ लिया सी ते एक महीना इलाज मेरा कीता सी, उन्हां दा सिख भाई कन्हैया मेरा इलाज करदा रहा। मैं जदों ठीक होया ते मैनू कहन लगे जा तेनू रिहा करने आ, पर अगों जीवन विच बुरा काम ना को करी, भला करी, जो को भला बंदा तेरी गिरफ्त विच भी आए उन्हूं रिहा कर दे। कहन लगा जे गुरु गोबिंद सिंह मैनू ना छड़ दे अज मैं ना हुंदा। इहदा पाप भाई कन्हैया साहब जदों इलाज करदे सन किवें करदे सन। मैं एक बेनती आपके चरणों विच करां, बड़े ध्यान नाल एकाग्रता नाल आपने सुरत करके साथ देना। ये सेवा प्रेम ये आम कह देने आ, पर संबंध तक रह जाती, रिलेशन तक रह जाती। जे मैं सेवा उसकी कर लिया, सेवा रिलेशन आ, सेवा किसकी करदा जी, माता पिता दी, ओह ते मेरे रिश्तेदार। सेवा मैं करदा भरावां दी, एक संबंध आ। सेवा मैं उन्हां दी करदा जिहड़े मेरे धर्म विच ने, इह भी एक रिलेशन है, संबंध आ। पर जे सेवा नेचर हो, सेवा सुभाव होवे, फुल तोड़न वास्ते कोई आवे उसनूं भी सुगंधी मिलेगी,
पानी पाउण कोई वाज उसनू भी सुगंधी मिले। फुल दा कोई दुश्मन नहीं कोई मित्र नहीं। उते जंगल विच भी होवेगा ज्यों उद्यान कुसम प्रफुल्लत किने न घराओ लायो एक भी सुगंधी लैण वाला नहीं पुता भी सुगंधी दे रहे हैं। जिसनू गुरमत ने सेवा कहा उन्होंने कहा तेरा सुभा बन जाए। जे सुभा बन जाए सुभा सेवा सवाल यह नहीं कि कौन आया सामने केड़ा आया नहीं तेरा सुभाव सेवा तो प्रेम करदा है कि पुत्र मैं प्रेम करदा ये भैन है ये पिता है माता है ये मेरे इलाके का है कोई संबंध है मेरा नहीं। संबंध का प्रेम जेड़ा है वो प्रेम नहीं वो है मोह। दशमेश पिता ने जो इसकी व्याख्या की सी व्याख्या ते गुरु नित करदा तन तन ज्ञानी सतगुरु हमारा जिन हमको सब सम दृष्ट दिखाए तन है गुरु ज्ञानवान है गुरु। एक गल हमेशा समझाते रहे मैं कुछ बाणी उन्होंने आप दे नाल सांझी करा। उन्होंने कहा देहुरा मसीत सोई पूजा ओ नमाज ओई मन सब एक पै अनेक को प्रभाव है। परम अनेक हो सकते ने धर्म केवल एक होवेगा। सतगुरु दे सवारियो दुख अनेक हो सकते ने अरोगता केवल एक होंदी। झूठ अनेक हो सकते ने सच अनेक नहीं होंदे सच केवल एक ही होंदा। धर्म एक होंदा सच एक होंदा। इसे तरह ज्यों ज्यों असी विचारांगे ये पता लगेगा अनेकता जिथे भी है उथे मरकज कोई बिल्कुल नहीं। अवगुण अनेक ने लेकिन जेड़ा असल गुण है परमात्मा नूं पाउण वाला असल गुण ते फिर उसका नाम परमात्मा एक अनेक गुण अगों इसे विचों निकलन गए। बहुत सारे गुण गिन के ना पहले सिखा नूं सिखी दा केस दा रहदान बवेक दान वसा दान भरोसा दान दाना सर दान अखीर जट जे ए ना मिलिया ते बाकी सारे कुछ भी। जेकर नाम दान ना होवे किसा दी गल भी अधूरी रह जाएगी। मैं ओ तुहानू बचन रहत नामे दे सुना दे हां बिना पहुल तरह केस पहुल ने लई अमृत पान ने कीता सिर्फ केस रख ले बाकी रहत कोई। बिना पहुल तरे केस पेखी मूड़ा सिख वो पेखी है मूर्ख मेरो दर्शन ना है तिस उन्हों मेरे दीदार नहीं होंगे वेखदा रहे तामी नहीं होंगे। इसका पाप गुरु दे दीदार ने गुरु दी दृष्टि गुरु दे दर्शन ने गुरु दी प्रवानगी के गुरु ने मन लिया मैं तेन प्रवान कर दिया तू मेरा सिख है। मेरो दर्शन ना है तिस पापी त्याग पेख। एक बार लंडन हीथरो एयरपोर्ट से मैं एक अंग्रेज नू वेख्या बड़ी तेजी विच जा रहा सा गेट वाल पर मैं रुक गया दो चार मिनट रुक जावां ते केस इन्ने सुंदर सन दाड़ा बड़ा लंबा केस काफी लंबे एक रोम नहीं कटाया चमकन पै कमाल है इन्ने सुंदर केस वेखण विच आए मैं रुक गया वेखदा रहा। पर थोड़ी देर बाद मैनू बड़ी निराशा हो गई उसका कारण उन्हें सिगरेट कटी तो मूह च लगा ले जदों ये ध्यान आया मैं क्या नहीं निरे केस नहीं जे मगर नाम की गल ना होई जिहड़ी दशमेश पिता ने कही है अमृत की पौल ना होई केस निरे ते ढेर लगे ने पै नाइया की दुकान ते नहीं। ये गुण होणगे तां जदों असीं ध्यान नाल इन्हां गल्लां नूं समझ लवांगे। नाम दान ते नाम दान जिस नूं मिल गया
जो वेखते हो नाम नजर आ जाए, जिस दिन तुहाडा नेचर सुभा बन गया, जेता कीता तेता नाओ, विन नाम है ना ही को थां। नाम तो बगैर तो फिर को थां ना। द्योरा मसीत सोई पूजा और नमाज होई, मान सब एक पै नेक को प्रमाओ है। इन गल्लां ने ही भाई कन्हैया साहब वर्गे पैदा किए, और वड्डे वड्डे हुक्मरान साडे इन गल्लां दा उन्हां ते असर होया। महाराजा रणजीत सिंह दे वेले, सिख राज वेले साडी गिणती 1 करोड़ सी। जिस वेले सिख राज जांदा रहा, गिणती 18 लख रह गई, 82 लख पता ही नहीं किधर। इहदा भाव उस बंदे ने काफी जोड़ के रखिया सी। एक वारी कोई सज्जन कोई सिख गए, कहन लगे महाराजा साहब अज रब ने तुहानू गुरु कलगीधर ने बड़िया बरकतां बख्शियां, शक्ति दिते, इन्हां तुरकां साडे ते इन्ने जुल्म कीते, ते तुसी हुक्म करदे हो साडे नगर विच कोई बांग ना देवे, बांग दे के सानू परेशान कर दे, 5 वेले बांगां दे दे बंद कर दे। हस पे कहन लगे करदे ने बांग, अज तो बंद कर देने, कोई बांग नहीं देवेगा। कोल बैठे सुनैल कह लगे जाओ भाई हुक्म कर दियो, कोई बांग नहीं देवेगा, बांगा बंद कर दियो। परेशान होंदे ने सिख, कह लगे एक छोटा जिहा काम तुसी करो। केड़ा? कह लगे 5 वेले ने जाके उन्हां दे घर घर आखाया करो कि नमाज का समा हो गया आओ। कह लगे ते मुसीबत गल पै गई, असीं 5 वेले हुण आखण वास्ते जाइए। कह लगे जे ना जाओ ते फिर नमाज तो बांग ही देण दियो, उन्हां दा धर्म उन्हां नूं निभाउण दिओ, अपना आप निभाओ। इह किसदा असर से? द्योरा मसीत सोई पूजा और नमाज होई, मन सब एक पै अनेक को प्रमाओ। देवता देव जश गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देसन के भेस को प्रमाओ है। एक नैन एक कान एक देह एक बैन, खाक बाद आतशो आप को लाओ है। अज ते विज्ञान ने कुछ ऐसे अर्थ कर देते ने, कोई शक ही ना रहे। बाणी दे अर्थ जेड़े असी लगा मात्रा नाल ही करते सां, विज्ञान ने होर कमाल कर दिती। मैं कुछ गल्लां अपना सांझियां करां। मंजी साहब गुरुद्वारा दरबार साहब अक्सर उत्थे हाजरी होंदी है। हुण वी पिछे 24-25 तरीक हाजरी भर के आया, अगों 21-22 फिर तुहाडे सामणे होवांगा। कथा करन तों बाद मैडिकल साइंस पढ़ाउण वाले प्रोफेसर सुखदेव सिंह आए मैनूं उचेचे मिलण वास्ते। मैनूं कहण लगे अज दी कथा सुण के गल उचेची मन च आई, मैं तुहाडे नाल सांझी करन आया कि मां दे गर्भ विच जिहड़ी जठरा अगनी है, इह आखर सब कुछ पछाउंदी पई है। इन्नी तेजी नाल गर्दश करदी है, पैरां तों सिर तक हर थां ते फिरदी है, पर जिथे मां दे गर्भ विच बच्चा ना, उथों इह क्रॉस नहीं करदी, साइड तों हो के निकल जाती। जे कर जाए बच्चा मर जाए, बच नहीं सकता। कहणगे सानू खुद नूं समझ नहीं आ रही, परमात्मा तेरी कुदरत है उत्थे क्यों नहीं जांदी। क्या बाणी विच ते सतगुरु पै ने लिख गए, बिखम थानो जिस रखिया तिस तिल न वसा। कमाल है कि एक बंदा होर धर्म दा, दूसरा होर दा, ते जे एक दी किडनी कढ के दूसरे नूं पा दित्ती जाए, कम करती है कि नहीं करती? ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए। ऐसा होया अखां किसी होर दियां आई बैंक चो लै के होर धर्म वाले नूं ला दित्तियां, वेखदा फिर ब्लड किसी होर दा। जदों ब्लड डोनेट करते हो आप कि पुछदे हो कि मैं सिखां, किसी सिख नूं ही दिओ कि जां किसी होर नूं दे दिओ। भाई कन्हैया साहब की गल को समझना है। सारिया गल्लां दशमेश ने जो समझाइया, कह लगे भाई कन्हैया जीव सारे एक थां तो ही आए ने, एक थां ते ही फिर जाणगे। मैं सोइया आप नूं उन्हां दी लिखत सुना दियां।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਗ ਤੇ ਕਨੂਕਾ ਕੋਟ ਆਗ ਉੱਠੇ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫਿਰ ਆਗ ਮੈਂ ਮਿਲਾਏਂਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੰਗਿਆੜੇ ਉੱਠੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਅੱਗ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਉਣਗੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕਨੂਕਾ ਕੋਟ ਆਗ ਉੱਠੇ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਮੈਂ ਮਿਲਾਏਂਗੇ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਨਦ ਤੇ, ਨਦ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਮੁੰਦਰ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਨਦ ਤੇ ਤਰੰਗ ਕੋਟ ਉਪਜਤ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਪਾਣ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸਭੇ ਪਾਣ ਹੀ ਕਹਾਏਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕੀ ਅਖਵਾਉਣਗੀਆਂ? ਪਾਣੀ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਧੂਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਧੂਰ ਪੂਰਤ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਨਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਧੂੜ ਕੇ ਕਨੂਕਾ ਸਭੇ ਧੂਰ ਮੈਂ ਸਮਾਏਂਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਤੇ ਅਭੂਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੜ ਚੇਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਰਿਹਾ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਤਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੇ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਹੋਇਆ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਚੁਮਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਪੂਨ ਚੁਮਚਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਗਰ। ਚੁਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਗਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇ। ਚੁਮਚੇ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਚ ਆਇਆ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਦ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਬੂਟਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ, ਬੂਜਤ ਦੀਪਕ ਮਿਲਤ ਤਿਲਤ, ਜਲਦ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ, ਜੈਸੇ ਬਾਰਿਕ ਮੁਖੇ ਖੀਰ, ਜੈਸੇ ਰਣ ਮੈਂ ਸਖਾ ਭਰਾ, ਇੰਜ ਸਹਾਇਕ। ਨਾਮ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੈ, ਜੈਸੇ ਰਣ ਮੈਂ ਸਖਾ ਭਰਾ, ਜੈਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ, ਬਹੁਤ ਉਪਮਾ ਥੋਰ ਕਈ, ਅਗਮੈ ਅਗਮੈ ਅਗਾ ਤੋਹੀ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੜ ਇੱਕ, ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੂਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਏਕਸ ਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਜੀਉ। ਏਕ ਹੈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਏਕ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਏਕ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਨੇਕਤਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗੇ। ਮਿੰਟ ਪੰਜ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਆਪਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ।
जां ते हर बंदा सरबत दा भला मंगे, बंदा बंदे दा भला करे। मंग ही ना मंग ते सुबह शाम कहने आ, तेरे भाने सरबत का भला। मंगण वाले बहुत ने, करन वाले बहुत घट ने, कि जिहड़े भला करदे होण मंग ले। जां ते बंदा सरबत दा भला करेगा उहदी जड़ की, जां सरबत दा बुरा करेगा। मैं होर हां दूसरा होर है, इथों ही सारे अपराधां दा पापां दा जन्म होंदा। भाई कन्हैया साहब जी नूं समझना ना, बस ये गल उन्हां समझ लई, मैं ते तू वख नहीं इक। तनासरी राग च शब्द है वैसे, उपनिषदां दे ऋषि भी इत्थे तक नहीं पहुंचे। मैं अध्ययन करके वेखे है, हैरान हो जाओगे। आत्मा परात्मा एको करै, अंतर की दुबदा अंतर मरै। भाई कन्हैया साहब जी नूं समझ लैन ना, उपनिषदां दे ऋषि भी आके चरण फड़ लैणगे। गुरु के सिख तू धन है, तेरी सिखी नूं प्रणाम है, नमस्कार है। इत्थे तक पहुंचे है। जां ते अपने अंदरों सारी सृष्टि वेख लै कि मेरी ते, जां सारियां चों अपना आपा वेख। उन्होंने यही गल मुका दी कि मैं ते तू दो नहीं। राजनीति विच पाप आ जाएगा जे मैं ते तू दो हाँ, धर्म विच पाप आ जाएगा मैं ते तू दो हाँ, समाज विच गलत मनौता पाप आ जाएगा मैं ते तू दो हाँ। एक छोटी जी कथा याद आ, बाकी बंदियां दी की गल करा, तपस्वी तीन बैठे सन, एक एक पहाड़ी ते बैठे ने, एक इधर सामने इधर दूर दूर पहाड़ी ते, तिना पहाड़िया ते वक वक चोटिया ते बैठे परमात्मा। कथा बड़ी सुंदर है। पहले नू आके कहिंदा, तेरी तपस्या प्रमाण मन के मंगी जाओ। कहन लगा, जी दियो दियांगा। लगा, वो जिहड़ा सामने बैठा है दा नामो निशान मिटा दे, ये नहीं दिसना चाहिए। मैं जो ये वाल वेखना ना, यदा तप मैं बड़ी ईरखा जाप, इनू मुका दे। कह लगे, ठीक तथस। ओदे कोल भी जांदे ने, कहन लगे, भाई तू मंग। कहन लगा, जी वो जिहड़ा सामने है ना, ओदा नामो निशान मिटा दे। तीसरे कोल गए, कह लगे, तू भी तपस्या, तेरी भी घट नहीं, तू मंग तू की चाहना। ये बड़ा होशियार बंदा सी जरा दूजा। कह लगा, जी पहले कृपा करो मैनू ये दसो, इन्हों दोवे की मंगे, मैनू पता है तुसी हो के आए। कह लगे, उन्हें मंगे एदा नामो निशान मिटा दियो, उन्हें मंगे एदा मिटा। कह लगा, मैं निष्काम सेवक, मेरी कोई मंग नहीं, इन्हों दी मंगा पूरिया कर दियो, अपना कार्य भई रास हो जाएगा। इन्हों दी मंगा पूरिया करो, दोवें ना रह जाण, आपां ते रह गए। तुहानूं बेनती करा, जदों तक मेरी मेरी है, साहिब जी कहिंदे ने, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे। यकीन जानना, मक्के यात्रा करा उन्हें सौखे, काशी जाया उन्हें सौखा, दुनिया फेरा उन्हें सौखी। ये मेरा मेरे तो तेरा तेरा तक यात्रा करनी बहुत औखी, पर जिस दिन यह हो जाए, जीवन में एक आनंद पैदा हो जाता। मेरा मेरा तो करने आके वेखिए, घर तेरा आनंद ही होर होगा। पुत्र मेरा नहीं, दात तेरी, ये परिवार मेरा नहीं है तेरा, इज्जत मेरी नहीं तेरी। यो तो गल भाई कन्हैया साहब जी ने समझ ली। उन्हें कहा, मैं तेरा, ये पानी तेरा, गागर तेरा, पीन वाला तेरा, प्यान वाला तेरा, सतगुरु भी तेरा, सिख भी तेरा, तेरा ही तेरा। गुरु नानक देव जी ने गल कही सी, चलती तो तुरतों है। वो साधु ने कहा, मोदी तेरा तेरा करता रहा, मोदी खाना उजड़ेगा, तू जेले होवेगा। कह लगे, नहीं मत साधु, जगत मेरा मेरा करके उजड़ गया, मैं चाहना तेरा तेरा करके नूं वसा दियां, किते बंदे नूं तेरा तेरा करना आ जाए। भाई कन्हैया साहब जी दा दिन मनाउण वाले हो, याद रखो, जिनके दिन मनाते हो उनके इरशादात भी समझो। इरशाद हुंदा हुक्म, जिनके दिन मनाते हो उनके इरशादात भी समझो, जिनकी बात करते हो उनकी बात भी समझो, उन्हां दी गल भी समझो। उन्हां आखी उन्हें आख्या, भाई कन्हैया साहब जी ने, भाई मैं तो पानी च बर्फ भी नहीं पाऊंगा, फोका पानी
मैं कोई पानी च मिठा भी नहीं पाया, कोई नींबू भी नहीं पाया, असी ते कोके कोले वरतौंदे भी मेरा मेरा करी जाने, आइसक्रीमां खौंदे मेरा मेरा करी जाने, शक्ति पदार्थ मनदे। हद हो गई भाई साहब जी ने पानी देंदिया कीता तेरा तेरा तेरा, सारी जगत ते तन पाई कन्हैया, तन पाई कन्हैया हो गई। एक सब को ना सखाया, मैं इसे दा विस्तार तुहाडे सामने कीता। उन्हां कहा सेवा होवेगी तां मेरे दशमेश पिता ने हो सखाया, तेरा तेरा तेरा, पीण वाला तेरा, प्याण वाला तेरा, सिखिया देन वाला तेरा, सिखिया लैन वाला तेरा, तू ही रसना जपते, तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतपालक मृत मंडल एक तू ही भुला दिखे मां। भाई कन्हैया साहब सेवक जथा इन्हां वल्लों इस समागम है और प्रेरणा पंथ रतन भाई साहब भाई जसवीर सिंह खन्ने वालियां दी गुरप्रवासी सिख पंथ दी अजीम हस्ती महान तीर सिंह साहब गुणियाने मंडी वाले उसे स्थान तो उन्हां दे नवाजे भाई बाबा संत बाबा कान सिंह जी आए ने। बड़े दिली मित्र मेरे नाल बड़ा हित प्यार रहा, मान साहब का भी, बाबा कान सिंह होरां दा भी, भाई साहब भाई जसवीर सिंह होरां दियां बड़ियां मेहरां रहियां। मैं जदों भी इन्हां समागमां च आउंदा अगे भी आया कई बार, मन नूं बड़ा सकून मिलदा। सच है कोई सुना के नहीं, मैं कुछ सीख के जाना, कुछ लै के जाना कि उस महापुरख का जिक्र करदे। यकीन जानना फुल किसे नूं भी दईए अपने हत्थां नूं भी सुगंधी लगदी है। अज आप जुड़ के बैठे हो, सतगुरु मेरा वरताए, गुरु का सिद्धांत उसके नाल जीना सीखिए। सतगुरु दे खजाने विच आरंभ च मैं बेनती की थी, इन्ने हीरे जिन्हां नाम जपया बन सके, देख चलाई तेग वाई वेख के डिठ कीता, तिन्हां प्यारियां सच्यारियां की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। आओ वीर हरबख्श सिंह जी एडवोकेट उन्होंने आप जी का हुक्म पहुँचाया, बड़ी ओए मेहर करते रहते ने, मैं हाजिर होया, नीचतन यतन किया। भाई साहब जी ने जो काल काली उस सिद्धांत सही संगतां दे सामने रखिया जाए, फिर भी कोई भुल होई होवे खिमा करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा प्रीतनगर वह भी स्टेज पर आन, उन्हां दा भी सत्कार भाई कन्हैया जी सेवक सभा वालों किया जाना है। सो बेनती करता हाँ, महान विद्वान महान महापुरख मंद बाबा कांत सिंह जी गुनियाना मंडी वाले वो भी आ करके स्टेज पर आन, आ करके गुरमत अनुसार विचार आप जी के सामने रखने की कृपालता कर। मैनु एक गल दस के बड़ी खुशी महसूस होती है कि इस स्थान पर पिछले दिन खालसे का जन्मदिन 5 दिन लगातार मनाया गया और दुनिया इतनी आई कि बयान नहीं किया जा सकता। दुनिया का आना एक अलग बात है, पर इत्थे जो प्रोग्राम संगत नूं दिता गया वो भी एक महान सी, ते सब तो वधिया गल।